हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि हम आईएफबी माइक्रोवेव में प्रीहीट कैसे करते हैं। प्रीहीट करने के दो तरीके होते हैं जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ये मेरा आईएफबी कंपनी का माइक्रोवेव है, 30FR C2 मॉडल नंबर है। तो प्रीहीट की ज़रूरत क्यों होती है? जब भी हम किसी चीज़ को बेक करते हैं, जैसे कि हम कुकीज़ बना रहे हों या फिर केक बेक कर रहे हों, तो उसके लिए हमें माइक्रोवेव को पहले प्रीहीट करना पड़ता है, तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम रोटी बनाते हैं, तो पहले हम तवे को अच्छे से गर्म कर लेते हैं, तभी हमारी रोटी अच्छी अच्छी सिक्के निकलती हैं। अगर हम ठंडे तवे पे रोटी डाल दें तो हमारी रोटी ख़राब हो जाती है। बिल्कुल वही फंडा है, बिल्कुल वैसे ही हमें अपना माइक्रोवेव प्रीहीट करना पड़ता है, एक टेम्परेचर सेट करना पड़ता है, और फिर हम उसी टेम्परेचर पर आगे अपना बेक करते हैं। अब मैं इसमें लोअर रैक डालने वाली हूँ। जब हम बेक करते हैं तो लोअर रैक को डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो लोअर रैक हम इसलिए डालते हैं ताकि उसके अंदर भी टेम्परेचर जाए, मतलब उसके नीचे से भी वो अच्छे से बेक हो जाए। उसका बेस जो है ऊपर से, तो आपने देखा होगा कि वो ब्राउनिश क्रस्ट आ जाता है, ब्राउन सा हो जाता है, लेकिन नीचे उसको बेस भी अच्छे से पकने के लिए हमें लोअर रैक डालना पड़ता है, ताकि जो टेम्परेचर वो इक्वली डिवाइड हो, मतलब हर तरफ अच्छे से टेम्परेचर पहुंचे और जो हमारा केक हो वो अच्छे से बेक हो जाए। अब माइक्रोवेव को स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक दिखा रहा है, डिफ़ॉल्ट है, माइक्रोवेव को स्टार्ट करते ही एक दिखाता है, एक मिनट। अब हम इसे सेटिंग करते हैं। प्रीहीट के लिए सबसे पहले हमें जाना है कन्वेंशन मोड पर। हम जब भी बेकिंग का प्रोसेस करते हैं, कुकीज़ या फिर हम केक बेक करते हैं, तो कन्वेंशन मोड पे ही करते हैं। कन्वेंशन मोड को प्रेस करते ही सबसे पहले टेम्परेचर आता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें अब इसको इंक्रीज़ करना है, अब हमें इसे बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी बटन को बार बार प्रेस करेंगे, मतलब जब तक हमें अपना टेम्परेचर ना आ जाए, जो टेम्परेचर हमें बेक करने के लिए चाहिए। अब दोबारा प्रेस किया तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ, ऊपर देखिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड अभी आया है। आपको जितना टेम्परेचर चाहिए कन्वेंशन को दबाते जाइए, प्रेस करते जाइए, ये आ गया 180 डिग्री सेंटीग्रेड। जनरली आप अपना केक जो है, केक या कुकीज़ कुछ भी हो, हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बेक करते हैं। ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हम स्टार्ट करेंगे तो ये टाइमिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। हमारा टाइमर ये इसमें दिखा रहा है 30 मिनट, तो 30 मिनट है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये 30 मिनट प्रीहीट के लिए बिल्कुल नहीं लेने वाला। ये कम से कम 3 मिनट या 4 मिनट प्रीहीट के लिए लेगा, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक बीप की आवाज़ आएगी और आपका माइक्रोवेव बंद हो जाएगा, यानी प्रीहीट आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद माइक्रोवेव आपको इंडिकेशन दे देगा बीप के द्वारा कि ये प्रीहीट हो चुका है। प्रीहीट होने के बाद आप अपना बेकिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको केक बेक करना है या कुकीज़ बेक करना है, जो भी बेक करना है, प्रीहीट के बाद आप कर सकते हैं। सेकंड मेथड में आपको बताने जा रही हूँ, इसमें भी पहले हम कन्वेंशन पे जाएंगे, फिर कन्वेंशन को प्रेस करेंगे, हमको जितने डिग्री टेम्परेचर चाहिए। स्टार्टिंग जैसे पहले बता चुकी हूँ मैं, 110 से होता है, और आप दबाते जाइए उसको, प्रेस करते जाइए, आपको कितना टेम्परेचर सेट करना है। तो ये आ गया 180 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने सेट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैन्युअली टाइम सेट करूँगी। तो मैं मैन्युअली टाइम अब यहाँ ऊपर से सेट करूँगी, ये है 10 मिनट, ये 1 मिनट, ये 10 सेकंड और ये 1 सेकंड। तो हमें यहाँ से सेट करना है, 5 मिनट के लिए चाहिए, 10 मिनट के लिए चाहिए, 10 मिनट के लिए चाहिए, तो आप सीधा 10 का बटन प्रेस कर दीजिए। और अगर एक एक करके करना चाहते हैं, जैसे 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, तो आप एक एक मिनट का बटन 6 बार प्रेस कर दीजिए, 6 मिनट करना चाहते हैं तो। तो ये हो गया दूसरा हमारा प्रीहीट का मेथड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, स्टे सेफ एंड हेल्दी।